96 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 और 20 से 4 घंटा अधिक लगता है। 96 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 1 और 20 से 4 घंटा ज्यादा लगता है। यदि अपनी गति अपनी तिनगुनी चाल से चलता है तो उसे 20 से 2 घंटा कम समय लगता है। ए और बी के चाल ज्ञात कीजिए। सुनिएगा इधर, 96 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, टोटल दूरी कितना है? 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 और 20 से 4 घंटा ज्यादा लगता है। ए और बी दोनों जा रहे हैं, ए भी जा रहा है और बी भी जा रहा है, तो 1 और 20 से 4 घंटा ज्यादा लगता है। अब कहता है यदि, यदि का मतलब क्या होता है? कंडीशन बताया। यदि ए अपनी तिनगुनी चाल से चलता है तो उसे 20 से 2 घंटा कम लगता है। समान चाल से चलता है तो ए को यहां पहुंचने में 20 से 4 घंटा ज्यादा लग जाता है। अगर ए अपनी गति को तिनगुना कर देता है तो 2 घंटा पहले ही पहुंच जाता है, ठीक है ना? दोनों की गति बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ए के बारे में लिखते हैं, देखिएगा ए के बारे में स्पीड बताते हैं। तो स्पीड जो था पहले उसका 1 था, अब कर दिया कितना? 3 कर दिया। स्पीड पहले 1 स्पीड से जाता था, अब कितना कर दिया है? 3 गुना स्पीड कर दिया है, ठीक है ना? तो स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। तो पहले उसको 3 घंटा लगता था, अब 1 ही घंटा लग रहा है। पहले उसको जाने में 3 घंटा लगता था, अब कितना लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। तो अनुपात में कितना कम समय लग रहा है? 2 लग रहा है कम। अब ध्यान दीजिए, पहले उसको 4 घंटा अधिक लगता था पहुंचने में, तिनगुना गति करने से 2 घंटा कम लग रहा है। तो पहले 4 घंटा ज्यादा समय लगता था, आज 2 घंटा कम समय लग रहा है। तो समय का अंतर कितना? 6 घंटा कम लग रहा है उसको। पहले 4 घंटा लेट से पहुंचता था, आज 2 घंटा पहले ही पहुंच गया है। तो आज 6 घंटा पहले वो पहुंचा है। जो लेट हो रहा था वो लेट नहीं हुआ और 2 घंटा पहले पहुंच गया। तो समय में 2 कम समय लगता है, लेकिन घंटा में 6 घंटा है। 6 कहां से आया? 4 जोड़ 2 = 6, ब्रैकेट में कर दिया। तो 1 का वैल्यू 3 घंटा, चलिए ठीक हो गया। तो 1 का वैल्यू 3 घंटा, तो 3 का वैल्यू 9 घंटा। तो टाइम ऑफ ए 9 घंटा। पहले ए को कितना लगता था? 9 घंटा, और 20 से 4 घंटा ज्यादा लगता था। तो टाइम ऑफ बी 5 घंटा। ये लोग जाता था ना, तो पहले ए को 9 घंटा लगता था, बी को 5 घंटा, क्योंकि ए को 20 से 4 घंटा ज्यादा लगता था, तो बी को ए से 4 घंटा कम लगे। अब स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ ए। डिस्टेंस कितना है? 96। टाइम कितना है? 9। ये हो गया स्पीड ऑफ बी, 96 / π। निकाल लीजिए अपना।